सो गाइज, ये आप जितनी भी ड्राइंग्स देख सकते हो ये सारी मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ करके बनाई है। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तो अगर आपको इस तरीके से बनानी है एकदम रियलिस्टिक ड्राइंग चारकोल पेंसिल का यूज़ करके, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, क्योंकि गाइज आपको पूरी नॉलेज मिलने वाली है कि मैं किस तरीके से चारकोल पेंसिल का यूज़ करता हूँ अपने ड्राइंग में। चारकोल पेंसिल का यूज करना सबसे ज्यादा इजी होता है अपने पोर्ट्रेट को रियलिस्टिक ड्राइंग करना। सो हे गाइस, माय नेम इज आशीष, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैं किस तरीके से चारकोल पेंसिल का यूज करता हूँ, किस तरीके से मैं एकदम स्मूथ शेडिंग करता हूँ एंड किस तरीके से मैं एकदम रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाता हूँ। तो ये सारी बातें लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि आप किस तरीके से चारकोल पेंसिल का यूज करते हो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा कि मैं किस तरीके से चारकोल पेंसिल का यूज करता हूँ एंड गाइस आप किस तरीके से इस पेंसिल का यूज करके अच्छी ड्रॉइंग कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो भी पूरा एंड तक बन रहेगा, क्योंकि गाइस आपको ढेर सारी वैल्यू मिलने वाली है इस वीडियो से कि मैं किस तरीके से चारकोल पेंसिल का यूज करता हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, कोई भी ड्रॉइंग करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने पेंसिल को अच्छी तरीके से शार्प कर लेना है, ताकि जो आपकी शेडिंग है वो एकदम स्मूथ हो पाए, चाहे वो ग्रेफाइट पेंसिल हो या चाहे वो चारकोल पेंसिल हो। तो सबसे पहले गाइस, आपको कुछ इस तरीके से अपने चारकोल पेंसिल को पकड़ना है। आपको एकदम हल्के हाथों से शेडिंग करनी है, आपको ज़्यादा हाई प्रेशर का अप्लाई नहीं करना, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है कि चारकोल पेंसिल काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है। तो कुछ इस तरीके से आपको शेडिंग करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ शेडिंग हो पा रही है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद गाइस हम ब्लेंडिंग करेंगे, तो आप देखना कि मैं किस तरीके से ब्लेंडिंग करता हूँ। शेडिंग मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब बारी आती है ब्लेंडिंग की। तो गाइस, ब्लेंडिंग करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रश का। आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं ब्रश, पेंटिंग ब्रश या मेकअप ब्रश, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडिंग करते वक्त गाइस आपको एकदम ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना, आपको एकदम हल्के हाथों का यूज़ करके ब्लेंडिंग करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो गाइस, आपने देखा होगा कि जब भी हम चारकोल पेंसिल का यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग में, तो जो हमारे हाथ है एंड पेपर है वो दोनों गंदे हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए गाइस, आपको एक छोटा सा पेपर का पीस ले लेना है एंड आपको अपने हाथ के साइड में रख देना है, ताकि जो आपका हाथ एंड पेपर है वो दोनों गंदे ना हो। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने दो शेडिंग कर दिया चारकोल पेंसिल की मदद से, एंड मैं एक तरफ ब्लेंडिंग करूंगा ब्रश की मदद से एंड दूसरी तरफ ब्लेंडिंग करूंगा मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से। तो आप देख सकते हो गाइस कि दोनों में ही हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, दोनों की एकदम स्मूथ शेडिंग एंड ब्लेंडिंग हुई है। तो अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अपनी ब्लेंडिंग को और स्मूथ करने के लिए। सो गाइस, अभी तक तो आपको शेडिंग एंड ब्लेंडिंग के बारे में पता चल गया होगा कि मैं किस तरीके से शेडिंग करता हूँ चारकोल पेंसिल का यूज़ करके। तो गाइस, अब बारी है हाईलाइटिंग। तो गाइस, हाईलाइटिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा टॉम्बो मोनो नॉक इरेजर, या आप नीडेड इरेजर का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं। तो मैं फिलहाल अभी यूज़ कर रहा हूँ टॉम्बो मोनो नॉक इरेजर। तो गाइस, अब मैं इन दोनों इरेजर का यूज़ करूँगा अपने हाईलाइट्स को देने के लिए चारकोल शेडिंग में, कि किस तरीके से हाईलाइट्स दी जाती है एकदम ईजीली। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मैं सबसे पहले टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से हाइलाइट्स दे पा रहा है, एकदम अच्छी तरीके से ऑप्ट हो पा रहा है। तो आप भी इस तरीके से एकदम इजीली कर सकते हो हाइलाइट्स को देने के लिए। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने का गाइस कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आपका इरेजर ही डैमेज होएगा या आपका जो ब्लेंडिंग टूल है वो डैमेज होएगा। तो गाइस, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ नीडेड इरेजर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है इरेजर। तो आप देख सकते हो कि अच्छी तरीके से ऑप्ट हो पा रहा है चारकोल शेडिंग में। तो इसीलिए गाइस, लो प्रेशर का अप्लाई करके सारी चीज़ें होती है, शेडिंग, हाइलाइटिंग, ब्लेंडिंग। तो गाइस, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि लाइट टू डार्क शेडिंग किस तरीके से की जाती है पोर्ट्रेट में। तो जैसे मैं गाइस, मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ, तो आप उसमें देखते हो कि इसमें लाइट भी होती है एंड डार्क भी होता है, शेडोज होती है, हाइलाइट्स होते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से शेडिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले गाइस, आपको फर्स्ट लेयर दे देनी है अपनी चारकोल पेंसिल का यूज़ करके, एकदम लो प्रेशर का अप्लाई करना है, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है कि चारकोल पेंसिल काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है। तो उसके बाद हम सेकंड लेयर देंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो गाइस, अब मैं दे रहा हूँ सेकेंड लेयर, उसके साइड में लाइट टू डार्क जाएंगे जैसे मैंने आपको कहा था। तो मैंने गाइस सिंपल सी शेडिंग कर ली है लाइट टू डार्क करके, तो अब इसके ऊपर हम ब्लेंडिंग करेंगे। मैं यूज़ करूँगा ब्रश का, आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। एंड अगर आपको अपनी शेडिंग को ज़्यादा डार्क करना है चारकोल पेंसिल की ड्राइंग में, तो आप उसमें सेकंड लेयर दे सकते हो, मतलब लेयर बाय लेयर करके आपको करना है, जैसे मैं ग्रेफाइट पेंसिल में करता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से करना है, एकदम लो प्रेशर का अप्लाई करके, मैं ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई तो करूँगा नहीं। तो गाइस, आप ये जितने भी पोर्ट्रेट्स देख सकते हो मेरे, ये सारे मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके बनाया। तो आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा ईजी है ड्रॉ करना, अब आपको पता चल ही गया होगा कि शेडिंग देखो गाइस इतनी ज़्यादा स्मूथ आराम से हो भी जाती है। अगर मैं इसे ग्रेफाइट से कंपेयर करूँ तो ग्रेफाइट में हमें थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन गाइस चारकोल में हम इजीली स्मूथ ड्राइंग कर सकते, एकदम स्मूथ शेडिंग कर सकते हैं, इससे आपकी ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव होएगी।
लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ ना ही करो तो ये अच्छा है, आप ग्रेफाइट पेंसिल से प्रैक्टिस करा करो, लेकिन उसके साइड ही साइड आप चारकोल पेंसिल से भी ड्रॉ करो। तो मैंने कई ड्राइंग्स में हाइपर रियलिज्म पोर्ट्रेट्स भी ड्रॉ करे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, सिर्फ मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया एंड चारकोल स्टिक का। ये गाइस जितना मुश्किल लगता है ड्रॉ करना उतना तो है नहीं, जहाँ तक मेरे को लगता है आप भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, बस आपको राइट नॉलेज होनी चाहिए जो मैंने आपको इस वीडियो में दी। सो गाइस आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा कि आप किस तरीके से चारकोल पेंसिल का एकदम अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी ड्रॉइंग में। सो गाइस आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, एंड गाइस अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो गाइस वीडियो को लाइक करके जाना, एंड गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो, मैं ढेर सारी वीडियोस ऐसे लाता रहता हूं। तो चलिए गाइस मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।